हेलो एवरीवन लास्ट वीडियो में वी लर्न अबाउट द सेल इट्स डिस्कवरी एंड व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोला जाता है साइटो सेल एंड लॉजी मीन्स स्टडी अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ सेल पर तीन मेन फीचर्स हैं जो ऑलमोस्ट सभी सेल्स में देखने को मिलते हैं फर्स्ट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकंड इज न्यूक्लियस थर्ड इज साइटोप्लाज्म अब मोटा मोटा हर एक के बारे में सुन लो बाकी आगे डिटेल में करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो ये बाहर की आपको कवरिंग दिख रही होगी ब्लैक कलर की इस सेल में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंफ्यूज नहीं होना दोनों एक चीज़ हैं सेकेंड है न्यूक्लियस ये आपको सेल के अंदर एक और राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा वो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस सेल के डीएनए मटेरियल को कैरी करता है थर्ड है साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लाइक फ्लूड -like होता है जो आप येलो कलर में देख सकते हैं इस डाइग्राम में उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं अब इन तीनों को एक एक करके देखेंगे लेट्स स्टार्ट विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इट इज थिन फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट कवरिंग दैट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब ये एक पतली सी कवरिंग है सेल की चारों तरफ जो प्रोटेक्शन का काम करती है और सेल के अंदर वाली चीज़ों को बाहर वाली चीज़ों से मिक्स नहीं होने देती नेक्स्ट पॉइंट इज इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटीरियल्स देयर इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल परेन इसका मतलब है कि इस मेम्ब्रेन की मदद से कुछ मटेरियल सेल अंदर ले सकता है जिसकी ज़रूरत सेल को है मतलब वो मटेरियल अंदर ले लेगा सेल और ऐसे ही जिस मटेरियल की सेल को ज़रूरत नहीं है उसे बाहर भी कर सकता है अब कुछ मटेरियल को अंदर आने से भी रोकता है इसलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं परमिएबल मम्ब्रेन का मतलब होता है जो मेम्ब्रेन लिक्विड या गैस को अंदर आने दे और सेलेक्टिव इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि ये कुछ मटेरियल को तो अंदर आने देती है लेकिन कुछ मटेरियल को नहीं आने देती तो वो सिलेक्टिवली वर्क कर रही है मतलब कुछ चीज़ों को सिलेक्ट कर रही है और कुछ को नहीं कर रही है नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मतलब ये प्रोटीन्स और लिपिड्स से मिलकर बनी होती है नेक्स्ट टॉपिक हाउ डज मूवमेंट ऑफ सब्स्टांस टेक प्लेस इन टू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये तो देख लिया कि सेल के अंदर और बाहर चीज़ें आ जा सकती हैं लेकिन कैसे इनके लिए प्रोसेस होते हैं जो गैसेस के लिए डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस है वाटर के लिए इन प्रोसेसेस को समझने से पहले आपको कंसंट्रेशन का मतलब समझना होगा देखो कंसंट्रेशन क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन होता है कि एक गिवन स्पेस में उस सब्सटेंस का जितना भी अमाउंट प्रेजेंट है वो उसका कंसेंट्रेशन होगा एग्जाम्पल के साथ समझिए जैसे दो ग्लास में इक्वल पानी डाला हमने और पहले ग्लास में एक चम्मच चीनी ऐड की और दूसरे में तीन चम्मच चीनी ऐड की तो दूसरे वाले ग्लास में चीनी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि हमने बराबर पानी तो लिया था लेकिन चीनी किस में ज़्यादा डाली थी दूसरे वाले ग्लास में अब डिफ्यूजन पे आ जाइए इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई चीज़ हायर कंसेंट्रेशन मतलब जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है अब इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं मान लो ये एक कंटेनर है जिसमें पानी है और हम ऊपर से चीनी की क्रिस्टल्स डाल रहे हैं ये स्मॉल स्मॉल ब्लू डॉट्स चीनी की क्रिस्टल्स हैं तो हमने इसके लेफ्ट साइड से अगर चीनी डाली तो उस साइड चीनी का कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहा होगा और राइट right साइड दो तीन ही दाने गए हैं लेकिन कुछ टाइम में क्या होगा जो लेफ़्ट साइड शुगर क्रिस्टल्स हैं वो आपके राइट right साइड में शिफ्ट होते जाएंगे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे तो पहले से बहुत ज़्यादा थे भीड़ मची हुई थी तो वो ट्राई करेंगे कि जहाँ पे कम भीड़ है हम उस साइड चले जाएं तो आपके इसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहा जाता है यहाँ पर चीनी के क्रिस्टल्स पानी में डिफ्यूज़ होकर अपनी राइट right साइड चले गए और इसी प्रोसेस की हेल्प से एक सेल के अंदर और बाहर गैसेस अपनी मूवमेंट कर पाती हैं अब ऑस्मोसिस को देखते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन अलोंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन है लेकिन हम यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट कंसीडर करते हैं जैसे डिफ्यूजन में हमने चीनी के पार्टिकल्स की मूवमेंट देखी थी कि वो हाई रीजन से मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गए थे लेकिन यहाँ पर हम पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे और वो जाएंगे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने पहले भी पढ़ा था वो मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को पास होने देता है अपने अंदर से और कुछ चीज़ों को नहीं होने देता डायग्राम देखिए इससे आपको क्लियर होगा जो ये पहला डायग्राम है इसमें एक कंटेनर लिया है और बीच में सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है और पानी डाल के हमने शुगर मॉलिक्यूल्स ऐड किए लेकिन लेफ्ट साइड तो वन शुगर मॉलिक्यूल है और राइट साइड फोर शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और पानी दोनों तरफ बराबर है लेकिन अगर आप देखो तो कंपैरेटिवली पानी किस साइड ज़्यादा होगा पानी लेफ़्ट साइड ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल कम है और बाकी पूरी जगह में पानी है लेकिन राइट साइड स्पेस तो उतनी ही है लेकिन शुगर मॉलिक्यूल्स फोर हैं तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर का कंसनट्रेशन है वो लेफ़्ट साइड कंपेरेटिवली हायर है राइट right साइड से तो अब कुछ टाइम बाद होगा क्या पानी हायर कंसेंट्रेशन रीजन से लोअर कंसेंट्रेशन रीजन की तरफ जाएगा मतलब लेफ्ट साइड से राइट right साइड जाएगा तो आप इस सेकेंड डायग्राम में देखिए कुछ टाइम बाद वाटर का लेवल राइट साइड राइज कर जाएगा क्योंकि जो पानी लेफ्ट साइड था परमिएबल uh, मेम्ब्रेन की लेफ्ट साइड वाला पानी अब राइट साइड शिफ्ट हो गया है क्योंकि पानी ने मूवमेंट की है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ओसमोसिस देखो इन दोनों प्रोसेसेस में कंफ्यूज नहीं होना है डिफ्यूजन में तो सॉल्वेंट्स की मूवमेंट होती है सॉल्वेंट मतलब जो पानी में मिलाया जाता है जैसे चीनी तो उनकी मूवमेंट होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मतलब उनके डिफरेंस से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगी जैसे इस डाइग्राम में दिखा रखा है ये हायर कंसंट्रेशन जो राइट right साइड है वो कुछ टाइम बाद लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगी मॉलिक्यूल्स ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये सॉल्वेंट्स या ये मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूवमेंट कर रहे हैं और इस प्रोसेस में जो सॉल्वेंट्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट करते हैं सेकंड डायग्राम गिवन है ओस्मोसिस का ओस्मोसिस में वाटर मूव करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से तो देखो जो चीनी के क्रिस्टल्स हैं या सॉल्वेंट्स हैं वो लेफ्ट साइड पे कम है और राइट right साइड पे ज़्यादा है तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे वाटर का कंसेंट्रेशन ज़्यादा रहा होगा और राइट right साइड पे कम रहा होगा तो ये डायग्राम है जो कुछ टाइम बाद वाटर की मूवमेंट हो चुकी है उस टाइम का तो अब इसमें क्या है वाटर भी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाएगा मतलब लेफ्ट साइड से राइट right साइड की तरफ जाएगा अब आगे देखते हैं गैसेस एंड वाटर मूव एकर अ सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस रिस्पेक्टिवली मतलब गैस तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से मूव करेगी और वाटर करेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ अ गैस इज लो आउटसाइड द सेल एज कंपेयर्ड टू इनसाइड इट मूव्स आउट दैट इज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसन्ट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन और इसे कहेंगे डिफ्यूजन मतलब जब गैस का कंसनट्रेशन सेल के बाहर की साइड कम होगा अंदर की साइड से तो जो गैस है वो अंदर से बाहर मूव करेगी तो इस तरह गैस मूवमेंट करेगी एंड व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज़ेस इनसाइड द सेल एज़ कंपेयर्ड टू इट्स एक्सटीरियर इट मूव्स अक्रॉस द प्लाज्मा रीजन फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाई कंसन्ट्रेशन टू इट्स लो कंसनट्रेशन मतलब जब पानी का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है बाहर से तो पानी बाहर निकल जाएगा मतलब हायर कंसेंट्रेशन रीजन से लोअर कंसेंट्रेशन रीजन में चला जाएगा सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू और इस प्रोसेस को बोला जाएगा ओसमोसिस मतलब हमने देख लिया गैसेस तो मूव करती हैं डिफ्यूजन के थ्रू और वाटर मूव करेगा ओसमोसिस के थ्रू एक सेल के अंदर और बाहर अब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूट जाए तो क्या होगा इफ द प्लाज्मा मेम्रेन रपच्चर्स और ब्रेक डाउन दैन द सेल विल नॉट बी एबल टू एक्सचेंज मटीरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग बाई डिफ्यूजन और ओसमोसिस मतलब सेल अपने बाहर सराउंडिंग से कुछ भी मटीरियल एक्सचेंज नहीं कर पाएगा ना डिफ्यूजन होगा ना ओसमोसिस होगा देअर आफ्टर द प्रोटोप्लाज्मिक मटीरियल विल बी डिसअपेयर एन द सेल विल डाई मतलब जो प्रोटोप्लाज्मिक मटीरियल होगा वो भी गायब हो जाएगा और सेल मर जाएगा अब होता क्या है अगर आप किसी सेल को सॉल्यूशन में रखते हैं तो थ्री पॉसिबिलिटीज हैं फर्स्ट है सेल स्वेल करेगा सेकंड, सेल सेम साइज़ का रहेगा और थर्ड है सेल श्रिक कर जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल तो फर्स्ट कंडीशन में इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डायल्यूट द सेल विल गेन वाटर बाई ओसमोसिस इसका मतलब है अगर सेल के बाहर वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर से तो वाटर बाहर से अंदर जाएगा और सेल स्वेल करेगा मतलब फूल जाएगा तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसमोसिस दैन वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेमबरेन इन बोथ डायरेक्शंस बट मोर वाटर विल कम इन टू द सेल देन विल लीव द ओवरऑल रिजल्ट इज द वॉटर इंटर्स द सेल द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप मतलब ये वाटर मोलिक्यूल्स वैसे तो अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं लेकिन पानी सेल के अंदर ज़्यादा आएगा कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से और उससे सेल स्वेल हो जाएगा जैसे आप डायग्राम में देखिए ये एक नॉर्मल सेल था पानी बाहर से अंदर आया और सेल फूल गया नेक्स्ट है इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सच अ सोल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन मतलब अगर सेल के बाहर और अंदर वाटर की कंसेंट्रेशन एग्जैक्टली सेम है तो वाटर की नेट मूवमेंट ने जीरो होगी और सेल का साइज भी सेम रह जाएगा और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देन वाटर क्रोसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर द सेल स्टे द सेम साइज मतलब ऐसा भी नहीं है कि पानी की मूवमेंट होगी ही नहीं बस यूँ है कि जितना पानी बाहर जाएगा उतना ही सेल के अंदर भी जाएगा तो हम कह सकते हैं पानी की नेट मूवमेंट जीरो होगी और साइज सेल का सेम रहेगा डायग्राम में देखो जो साइज था सेल का उतना ही रहा इसमें चार मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर गए हैं तो चार ही बाहर आए हैं नेक्स्ट इज इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर

जैसे ये डायग्राम में देखिए वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर आ गए और सेल सिकुड़ गया है तो हमने तीन टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े हैं अभी फर्स्ट इज़ हाइपोटोनिक जिसमें सेल स्वेल कर जाएगा सेकंड इज आइसोटोनिक जिसमें सेल का सेम साइज़ रहेगा एंड थर्ड इज़ हाइपरटोनिक जिसमें सेल श्रिंक कर जाएगा अब एक एक्टिविटी देखते हैं आपकी बुक की एक्टिविटी फाइव पॉइंट थ्री इस एक्टिविटी में एक एग लेना है और एच सी एल एसिड में रख देना है इससे उसका आउटर शेल डिजॉल्व हो जाएगा और बहुत पतली सी लेयर रह जाएगी बाहर अब पाँच मिनट के लिए इसे पानी में रख दो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एग स्वेल हो जाएगा क्यों ऑस्मोसिस की वजह से और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर का कंसनट्रेशन सेल से बाहर ज़्यादा था और वाटर हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगा जिससे पानी सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाता है और सेल स्वेल कर जाता है और एक बार फिर से सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे लेकिन पानी की जगह सॉल्ट सॉल्यूशन में रख देंगे इस बार इस एग को तो एग श्रिंक कर जाएगा ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एग के अंदर वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा है अब बाहर से क्योंकि सेल के बाहर तो प्योर वाटर प्रेजेंट ही नहीं है सॉल्ट सोल्यूशन है बस लेकिन अंदर कुछ ना कुछ पानी था तो अब क्या होगा पानी एग के अंदर से बाहर निकल जाएगा और एग श्रिंक कर जाएगा और आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी भी सिमिलर है जिसमें हम एग की जगह रेजन या ड्राइड एप्रीकोट्स का यूज़ कर रहे हैं उसमें भी ये दोनों चीज़ स्वेल हो जाएंगी उसमोस की वजह से नाउ लेट स्टडी सम मोर फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्रेन फर्स्ट इज़ यूनिसेलुलर फ़्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस मतलब यूनि जो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं वो ऑस्मोसिस से वाटर एबजॉर्ब कर पाते हैं अब फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी मेंशन इसलिए किया गया है क्योंकि हमें पता है कि अगर सॉल्टी वाटर होगा तो सेल वाटर अंदर लेने की जगह बाहर कर देगा जैसा हमने एग एक वाली एक्टिविटी में देखा था यही रीज़न है कि सॉल्टी वाटर में कम ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं कंपैरेटिवली तो इसलिए फ्रेश वाटर वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन करते हैं नेक्स्ट इज एब्ज़ॉर्बशन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज आल्सो डन बाय ऑस्मोसिस अब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए होता है जो कि रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और फर्दर प्लांट में भेजती हैं तो ये रूट्स में जो रूट सेल्स होते हैं वो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर लाते हैं जिससे पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है और प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं और सर्वाइव करते हैं नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो डिफ्यूजन से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है और जैसे एक पूरी बॉडी को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन इनटेक की ज़रूरत होती है वैसे ही एक सेल को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है जो वो डिफ्यूजन से अंदर लेता है नेक्स्ट पॉइंट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लैक्सीबल एंड इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मतलब ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल तो होती ही है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है और कौन से दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो याद रखना है वो है लिपिड्स और प्रोटीन्स अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नॉर्मली लिविंग सिस्टम में ही मिलते हैं और किस किस एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं तो वो है कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन देन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो अनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अब इस मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल अपना खाना इजीली निगल पाता है और बाहर के एनवायरनमेंट से बाकी मटेरियल भी एक्सचेंज कर पाता है और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस और अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमने इसके बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो भी अपना फूड इसी प्रोसेस के थ्रू खाता है अब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक कंप्लीट हो गया है और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं देखो माइक्रोस्कोप ना कई टाइप के होते हैं जो आपकी स्कूल लैब्स में आपको दिखेंगे वो है लाइट माइक्रोस्कोप जिसकी ये इमेज यहाँ पे दी गई है अगर आप उसमें सेल को ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ ऐसी इमेज दिखेगी इसमें सिर्फ आप सेल की बाउंड्री और न्यूक्लियस देख पाएंगे लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको क्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखेगा अब यहाँ देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये मोस्टली रिसर्च लैब्स में होते हैं इनकी वर्किंग भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन आप इनके थ्रू अगर एक सेल को ऑब्जर्व करते हो तो आप उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख सकते हैं जैसे ये जो इमेज गिवन है ये एक प्लांट सेल की है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया गया है यहाँ पे क्लियरली आपको ये चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है जो पी एम से डिनोट की है सेल वॉल दिखेगा जो हम आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो एक सेल ऑर्गेनेल होता है वो भी हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे न्यूक्लियस वैक्यूल साइटोप्लाज्मिक मेटर्स हम इसमें सब कुछ देख सकते हैं एक सेल का और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में ही आपकी एक्टिविटी फाइव पॉइंट फाइव थी नाउ लेट्स कम टू द इंटेक्स क्वेश्चन क्वेश्चन वन इज हाउ डू सब चांसेस लाइक सी ओ टू एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल तो ये तो हमने पढ़ा है डिटेल में सी ओ टू मूव करेगा डिफ्यूजन से और एच टू ओ मूव करेगा ऑस्मोसिस से नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन ये भी हमने पढ़ा था इट इज़ कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटांस नॉट ऑल तो अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट डिटेल में स्टडी कर लिया है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी किया है इस वीडियो के अलावा आपको कुछ और पटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जो आगे का है उसमें सेल वॉल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट बी ओपन टू आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो योर सजेशंस आर वेलकम वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें